दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम। आज मैं करने वाला हूँ राइड रिव्यू। राइड रिव्यू किस चीज़ का है? ये खड़ी है हमारी मीटियोर 350 यानी कि बघीरा, और साइड में अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ खड़ी है हमारी कौन, मोगली। यस, तो बघीरा ये रही, मोगली ये रही। अब दोनों बाइकें अगर मैं बात करूं तो हैं तो एक ही कंपनी की, रॉयल एनफील्ड, फ्रॉम द ब्रांड ऑफ रॉयल एनफील्ड, और दोनों ही गाड़ियों में बहुत सी समानताएं भी हैं, लेकिन इन दो गाड़ियों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि वाकई में एक अगर आप डेली कम्यूटर हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो शायद आपको तब तक पता नहीं चल सकते। या तो आप गाड़ी ऑन कर लीजिए तो पता चलेंगे, और या तो फिर आप इस गाड़ी को कुछ 200-400 किलोमीटर चला लीजिए दोनों गाड़ियों को। तो आज इसी के ऊपर करेंगे पूरी बात कि किस तरीके का राइडिंग स्टांस है, किस तरीके का राइडिंग का पॉस्चर है, क्या फ़र्क आ जाता है, और क्या मज़ा है और क्या डिस्कम्फर्ट है। तो आज करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी बात। बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी बघीरा से, यानी कि मीटियोर 350 से। तो अब प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं बार बार बघीरा और मोगली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे इनको घर में इतना ज़्यादा गाड़ियों को नाम देने की आदत सी हो चुकी है कि हमारे घर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उन्हें सबको नाम दे रखा है और सबको नाम से ही बुलाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप मीटियोर 350 की बात करें तो मीटियोर 350 एक बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी मुझे कोई भी हिचक नहीं है कि अगर आपको रोज़ चलने के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो इट शुड बी मीटियोर 350। इट इज़ अ मच मोर प्रैक्टिकल बाइक। दूसरी चीज़, इट इज़ इकोनॉमिकल ऑन द पॉकेट एज वेल, क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता अभी माइलेज मोगली क्या दे देगी आगे चल करके, लेकिन क्योंकि मुझे क्रूज़र सेगमेंट की ही गाड़ियां पसंद हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्रूज़र और ऐड करनी थी। अगर ये नहीं आती तो शायद कावासाकी वल्कन एस लेते, लेकिन थैंकफुली रॉयल एनफील्ड ने हमको सुपर मीटियोर 650 दी, जिसकी वजह से हमने इस गाड़ी को चुना। तो अगर आप इस गाड़ी की बात कीजिए तो इस गाड़ी में कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे, अब देखिए हर एक की एक पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मुझे डेली सिटी राइड पे कहीं भी जाना है तो बिना किसी डाउट के मैं मीटियोर 350 को ले जाना पसंद करूँगा। रीज़न बीइंग, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न बट देर आर मेनी और रीजंस। रीज़न नंबर वन कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि कभी कभी मैं, मेरी वाइफ, मेरे फ्रेंड्स, तो हम सब जब एक साथ कभी होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, डबल भी जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी मीटियोर का, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, तो ये कहीं पे भी टच होने की चांसेस नहीं होते, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। बिल्कुल ही आप एक एब्रप्ट, अब आप कहिए कि डिवाइडर पे ही चढ़ा दूंगा और गाड़ी टच नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ तो कोई भी गाड़ी टच हो जाएगी हिमालयन को छोड़ के। तो उस सिचुएशन में मीटियोर इज़ डेफिनेटली अ बेटर बेट। दूसरी चीज़, अगर आप माइलेज की बात करें तो माइलेज के मामले में ये गाड़ी मुझे 40 प्लस माइलेज हर ऑन एनी गिवन सिचुएशन देती है। इसका एक चीज़ आइए दिखाता हूँ आपको। तो अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी मेरी 316 किलोमीटर ट्रिप ए में चल चुकी है और अभी भी इसमें एक पॉइंट बाकी है। ये एक पॉइंट करीबन 50-60 किलोमीटर के आसपास चलता है और उसके बाद इसमें रह जाता है 5 लीटर के आसपास तेल। तो 370, 380, कभी कभी 400 भी चली जाती है गाड़ी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चला रहे हो। तो ये गाड़ी मुझे डेफिनेटली माइलेज देती है। तो 40 का माइलेज मुझे इस गाड़ी ने हमेशा दिया और बिना किसी प्रॉब्लम के दिया है।
तीसरी चीज़ जो इस गाड़ी की बड़ी अच्छी है वो ये है कि इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द एजिलिटी, तो अगर आप यहाँ देखें तो मीटियोर 350 का जो टर्निंग रेडियस है ये बहुत छोटा है। तो अगर आप शहर के अंदर हैं, ट्रैफिक में हैं, तो आप जिप जैप जूम करके कहीं से भी निकल सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हैंडल बार भी एक सफिशियंट अमाउंट में दिया है, सफिशियंट अमाउंट में चौड़ा है, तो आपको इसके साथ दिक्कत आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चौथी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि देखिए, अगर आप सुपर मीटियोर 650 के बारे में देखते हैं या अगर आप उसे प्लान करते हैं, तो आप अगर कुछ चीज़ों को अलग रख दें तो आपको टेक्निकली फीचर्स करीब करीब सारे वही मिल जाते हैं। ट्रिपर नेविगेशन मिल जाता है, प्रीमियम स्विचेस मिल जाते हैं, प्रीमियम ग्रिप्स मिल जाती हैं, सीट आप अच्छी लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप पीछे की तरफ, पीछे के सेक्शन की तरफ आइए, तो आपको सिमिलरली सेम हेडलाइट, सेम टेल लैम्प मिल जाता है, सेम तरीके की करीब करीब टेल टाइडी है। और उसके साथ साथ ये आप अगर देखें तो इंडिकेटर्स भी समवॉट द सेम ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। मीटियोर फायरबॉल के जो हैं आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। अब एक फ़र्क, अब क्योंकि वो एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट था, तो उसमें और इसमें एक फ़र्क जो मुझे दिखता है वो बताता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखें, ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। तो अगर आप डेली कम्यूटिंग के पर्पज़ से कोई गाड़ी देख रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आपको सुपर मीटियोर 650 ना लेकर के आपको मीटियोर 350 की तरफ जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं, तो मुझे देखे किसी भी चीज़ की तारीफ़ ही करता रहूँ मैं, और आपको टेक्निकली अगर कोई चीज़ उसमें है जो मुझे आपको बतानी चाहिए और मैं आपको ना बताऊँ तो वो भी गलत है। लेकिन अब अगर आप इसी चीज़ को अगर आप ऐसे देखें कि आपको जाना है बहुत लंबी राइड पे, तो आप बहुत लंबी राइड पे मीटियोर 350 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो। मतलब आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक तो ठीक है, 200 भी चल जाता है, लेकिन जब आप 200 प्लस किलोमीटर इन अ डे को ट्रैवल करते हो, तब वहाँ पे आपको डेफिनेटली लगेगा कि मीटियोर 350 में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया 200 किलोमीटर के बाद। 200 किलोमीटर तक दैट्स फाइन। अब वो डिस्कम्फर्ट है क्यों, अब मैं उसके बारे में आपसे आज बात करता हूँ। तो चलते हैं थोड़ा सा हैंडल के ऊपर। अब इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने इसमें से जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने गाड़ी में से हटाई हैं। जैसे आपने देखा था मैंने हैंडल बार राइजर्स लगा रखे थे, लेकिन हैंडल बार राइजर्स मैंने आज स्पेसिफिकली हटाए हैं, क्योंकि अगर मुझे गाड़ी की एक्चुअल्स को आपको समझाना है तो मुझे गाड़ी को एक्चुअल पोजिशन में लेके आना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। तो अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब आपकी मीटियोर 350 की जो राइडिंग है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप बैठे हो और आपके जो लेग्स की पोजीशन है ना वो करीब करीब स्ट्रेट है। तो होता क्या है, ओवर अप यहाँ पे थाई सपोर्ट, अगर आप यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट देखिए तो यहाँ पे सीट जो है देखिए थोड़ी छोटी है, और उसकी वजह से आपको अंडर थाइज़ में यहाँ पे पेन शुरू होता है, क्योंकि आपका जो है राइडिंग पोस्चर है तो करीब करीब ये है, और आप जो है ना गाड़ी पे कुछ यूँ बैठते हो। तो अगर अब हैंडल बार राइजर लगाने के पीछे क्या रीज़न था, उसकी वजह से हैंडल ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हो तो थोड़ी सी पोजिशनिंग अच्छी हो जाती है। बट अब क्योंकि आप इस गाड़ी पे स्टॉक दिखाना था, क्योंकि हर आदमी ने हैंडल बार राइजर नहीं लगाया है, तो स्टॉक की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी पोजीशन कुछ ये होती है, तो अब इस पोजीशन में हल्की सी आपकी बैकबोन हल्की सी बेंड है और आपके जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम है, तो जिसकी वजह से आपको 200 किलोमीटर के बाद तो दिक्कत आएगी। वेयर एज अब चलते हैं सुपर मीटियोर 650 की तरफ। अब अगर सुपर मीटियोर 650 की बात कीजिए तो आप देखिए हैंडल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है, हैंडल को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप सीट को जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है एज़ कम्पेयर टू द मीटियोर 350, सीट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब मैं इस गाड़ी पे बैठता हूँ, अब आप इसमें मेरा पोस्चर देखिएगा, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप अंडर थाई सपोर्ट यहाँ तक आ रहा है मेरे को, जो कि पहले आपको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्ट ऐड हो रहा है और
मीटियोर में जहाँ आपके पैर ऐसे रखे थे, अब यहाँ पे आपके पैर रखे हैं ऐसे। तो ये देखिए, ये जो पॉस्चर बना, ये पॉस्चर में आप एक बहुत लंबे टाइम तक राइड कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे जब आप बैठे हैं तो आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और आप बिल्कुल स्ट्रेट राइड कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि अगर आप 200 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं, मीटियोर 350 इज़ अ डेफिनेटली गुड बाइक, बट अगर आप 200 प्लस किलोमीटर राइड करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि सुपर मीटियोर 650 इज़ अ बेटर बाइक। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की खासियतों के बारे में कुछ, जो कि वाकई बहुत अच्छी हैं। नंबर वन, सीट बहुत कंफर्टेबल दी है, पॉस्चर बहुत अच्छा है, इंजन अगेन द सेम ट्राइड एंड टेस्टेड 650 ट्विन्स है, जिसको इस बार इतना बढ़िया ट्यून किया गया है। कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर के मुकाबले इस गाड़ी को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है कि वेट मैनेजमेंट के नाम पे आपको इस गाड़ी में 250 किलो वेट होने, 241 किलो लेडन वेट है, उसके बाद आप लेग गार्ड लगाते हैं, तकरीबन 4 से 5 किलो का लेग गार्ड है, 245 किलो 15 लीटर तेल आ जाता है, 250 किलो अनलेडन वेट आपकी गाड़ी में कहीं नहीं जाता। 250 किलो वेट के बाद भी आपको ये गाड़ी कभी भी भारी नहीं लगेगी। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि रॉयल एनफील्ड ने इस गाड़ी का जो वेट मैनेजमेंट है, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको इस तरीके से मैनेज किया है। गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन होती है फिज़िक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब तक गाड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन के ऊपर नहीं जाती है तब तक गाड़ी स्टेबल रहती है। तो सिमिलरली इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत बढ़िया खेल है, जिसकी वजह से ही इस गाड़ी को लो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया। प्लस कुछ चीज़ें इसमें प्रीमियम हैं, जैसे कि आपके ये जो आपके योक्स हैं, ये आपके दोनों तरफ क्लच के, ब्रेक के दोनों तरफ के लीवर्स आपके बहुत प्रीमियम कर दिए हैं। इन मिरर्स में एक और खासियत है, अगर आपको बताऊं मैं, ये जो मिरर्स हैं रॉयल एनफील्ड दिए हैं, इसमें खासियत ये है गाइस कि ये एंटी रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि अगर रात के टाइम आप इसमें चल रहे हैं और पीछे से कोई लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों में नहीं आती है। सम वॉट लाइक यू कैन से, जैसे हमारी कार्स में नाइट में एंटी रिफ्लेक्टिंग रियर व्यू मिरर्स होते हैं, ये उस टाइप का हो जाता है। तो अब ये तो हो गई देखिए टेक्निकल बातें। इस गाड़ी पे जाना है 500 किलोमीटर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहें कि इसको मैं लद्दाख की पहाड़ियों में ले जा सकता हूँ, तो गाइस देखिए ले जाने को तो लोग हयाबूसा भी ले जाते हैं, हमारे जेसन पाजी लेके गए थे, और ये डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। लेकिन अब जैसे देखिए ले जाने को तो आप इसको भी लद्दाख ले जा सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। कुछ थोड़ा सा जो ऑफ रोडिंग के पैचेस हैं अगर आप उनको छोड़ दें तो लद्दाख में भी करीब करीब बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी रोड्स हैं, तो ये गाड़ी डेफिनेटली आप वहाँ लेके जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में 650 मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि 650 की जो परफॉर्मेंस है आपको उसमें कहीं से भी 1% भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अब इस गाड़ी की मैं करंट में बात करूं कि अगर आप सिटी राइड की बात करो तो गाइस मुझे लगता है कि ये गाड़ी सिटी राइड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिटी में होता है ट्रैफिक, और जब आप ट्रैफिक में लेके इस गाड़ी को घुसेंगे तो लेफ़्ट राइट काटने में प्रॉब्लम डेफिनेटली करेगी है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसका जो टर्निंग का रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से शायद मेरी कार के से भी ज़्यादा है। तो अभी मैं टर्न कर रहा था तो लोग मेरे को देख रहे थे कि इतना लंबा टर्न क्यों ले रहा है, तो वो टर्न इसलिए लंबा हो रहा था क्योंकि एक्चुअली में आप ये देखो इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा लंबा है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि गाइस देखिए जब आप इसमें इतने प्रीमियम सस्पेंशन लगाते हो, टी बड़ी हो जाएंगी, तो ये चीज़ें तो होंगी। तो अगर आपको डेली कम्यूटिंग करनी है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको मीटियोर 350 आँख बंद करके लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत लंबी लंबी राइड्स पे जाते हो या जाते रहते हो, लगातार आपकी राइडिंग वाइडिंग लगी रहती है, तो फिर गाइस मैं आपसे कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए ये गाड़ी, ये देन डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है मीटियोर 350 से। अब मैं बुलाता हूँ मेरी को राइडर को,
यानी कि मेरी वाइफ को, उसने भी दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं, तो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मैं दोनों गाड़ियों में क्या फ़र्क उसने महसूस किया। मीटियोर उसने बहुत चलाई है, इनफैक्ट अब जब से सुपर मीटियोर आई है तब से भी वो काफ़ी चला रही है, टेस्ट राइड गाड़ियाँ भी उसने काफ़ी चलाई। तो अब उससे पूछते हैं कि वॉट इज़ हर ओपिनियन ऑन दिस। एंड गाइज देखो, अब ये मत कहना कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, गाइज दोनों गाड़ियाँ मेरी हैं तो स्पॉन्सर नहीं हो सकता कुछ भी। तो बुलाता हूँ मैं अपनी वाइफ को, उससे पूछते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, ये चलाती हैं होंडा भी, ये चलाती हैं मीटियोर भी, अब चला रही हैं सुपर मीटियोर 650 भी। तो अब इन्हीं से पूछते हैं, एज अ फीमेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ दीज टू बाइक्स? Both are wonderful machines, and believe me, I have been a die-hard RE fan all my life, and still I think until I die I'll ride an RE. So that's my love towards this brand. Maine dono hi drive kari hain, and moreover there is not even a single edition of RE jo maine abhi tak ride nahi kiya hai. But since both of the beauties are at home, so अभी तक मैं जितनी बार भी 350 को लेकर के गई हूँ, हम इसको लेकर के आराम से सिटी में भी लेकर के चले जाते हैं, या फिर कभी अगर थोड़ी तंग गलियाँ होती हैं वहाँ पर भी ले जाने में काफ़ी आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड जब तक ये नहीं आई थी डेफिनेटली इट वॉज़ एन अटेंशन सीकर, बट नाउ सिंस अ बिग सिस्टर इज़ अराइव्ड, आई मस्ट से a big engine, better engine, and look wise, oh my god, if you want to grab some good attention, definitely this is the bike which you should ride. But yes, when you take it on a day to day rides, agar main apne office agar isko lekar ke jaati hu, trust me, mere liye chhota chauraha thoda बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है। आई नीड अ बिगर स्पेस टू टर्न। एंड मोर ओवर अगर गुड़गांव की हालत ऐसी है या दिल्ली एनसीआर की हालत ऐसी है जहाँ पर बिना जैम के लाइफ नहीं चलती, डेफिनेटली ये जैम में फंसती है। एंड अभी तक तो ये चल रहा है कि ज़्यादातर लोग इसको जैम में अगर रुक जाती है तो ये देखते हैं कि ओ माई गॉड दिस इज़ सच अ ब्यूटी, दे ट्राई टू क्लिक पिक्चर्स इन एवरीथिंग, बट ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस इट्स अगर दोनों दूं तो कौन सी लोगे, फाइनली कौन सी लोगे? आई कैन नॉट चूज बट अगर मुझे ये चलाना है ऑन अ डे टू डे राइड, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट मेंट फॉर अ राइडिंग प्लेजर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, फॉर डे टू डे दैट्स द बॉस। सो गाइज फाइनली यू हर्ड द वर्डिक्ट फ्रॉम अ लेडी हु इज बीन ड्राइविंग with me for a while, she has been riding with me on one rides, and trust me यार मैं तो 50 पे चलता हूँ, स्पीड तो इनकी देखा करो। अगल बगल वाले लोग मेरे से पूछते हैं ये भाई साहब क्या खा के आते हो घर से। तो guys, this was actually a mixed review, what I feel about both these rides, what do I feel कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा capable है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज ऑन रोड। देखिए मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखा के या कुछ भी और दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, आप लोग वही सिनेमैटिक्स देखोगे फिर बोर हो जाओगे क्योंकि आपने कई बार देखे हैं। बट देन आई थिंक यू गाइज डिजर्व टू नो वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। सो द फाइनल वर्डिक्ट दैट आई हैव फॉर दिस बाइक इज, मज़े लेने के लिए चलानी है ना, हफ्ते में दो दिन चलानी है, सैटरडे संडे चलानी है, 500,000-2,000 किलोमीटर घूमने जाना है ये। बट अगर रोज का साथी चाहिए कि रोज़ सड़कों पे साथ दे, किसी भी गड्ढे को अब्सॉर्ब कर ले, कहीं भी मज़े दे और कहीं से भी प्यार से अच्छे टॉर्क के साथ निकल जाओ, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये था एक मेरा ऑनेस्ट राइड रिव्यू अबाउट बोथ दिस टू बाइक्स। बाकी बहुत सारा कंटेंट है, आता रहेगा, देखते रहिए, इन्जॉय कीजिए। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।